अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सादिया शेख। मुझे माशाल्लाह काफ़ी अर्सा हो गया इस फील्ड में काम करते हुए, तकरीबन 25 से 26 साल हो गए हैं। तो मैं, आप सब जानते हैं कि वो वाकया एक हुआ था कि मैंने पैसे इन्वेस्ट किए थे, बाद वो मैनू लभ्या। तो भी किस बंदा था वो, जरा बताएं हमारे नाज़रीन। हाँ जी, मैं दस रही हूँ सारा, थोड़ा डिटेल दस रही हूँ। ऐसे जिन्ना को मैं कैसर साहब का शुक्र अदा करा, उन्ना ही घट के जिसने मेरे नाल इन्ना साथ दिता है। और कैसे साहब की वजह तो ही मैंने पैसे मिले ने, वरना मैं अड्डियाँ रगड़ती रहती तो मैं पैसे नहीं सी मिलने। तो वह बंदा है सी सैफ गुराया, तो 14 महीने बाद ना इस्लामाबाद चो फड़िया गया। तो मैं अज तो जुमे वाले दिन मैं कॉल आई है कि आपका वो जो मुजरम है ना वो पकड़ा गया, तो आप किधर है? मैं क्या, मैं इतने ही हूँ, मैं कितने जाना? उन्होंने कहा फटाफट थाने पहुँचो, तो वो मुजरम आ गया ताड़ा। उत्थे गए असी, तो उन्होंने लिया असी, हथकड़ियाँ लाइया असी, पढ़िया असी, तो सारा फिर उत्थे बैठ के गलबात हुई। उन्होंने कहा जी हाँ जी किस तरह? उन्हें कहा जी मेरे को इस वक्त कैश 4 लाख है, तो लैना तो वो 15 लाख से, लेकिन वो 5 लाख उन्होंने माफ़ कर दिता गया कि कोई गल नहीं, चलो उदे कोल भी की होना वे। असल तुहानू शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि चलो कुछ आया ही है ना, डुबिया तो नहीं। लेकिन पुलिस वालिया ने मतलब आमर साहब ASI और खलील साहब, हूँ पहले तो अमर साहब ने केस किया, हैंडल से उन्होंने हाथ च, उस तो बाद खलील भाई दे हैंडल आ गया। पुलिस वालिया ने मेरा बड़ा साथ दिता है, अल्लाह ने सारे जिंदगी तंदुरुस्ती अता फरमाई। मैं तुहानू दस्सिया तो है 4 लाख का कैश मिले लेना, तो 3-3 लाख के 5 महीने का चैक दिता उन्हें। तो असी यह भी किया कि जो उन्होंने चैक दिता ना, तो असी उन्होंने अदालत लिखवा लिया कि अगर इनकेस क्या चैक नहीं मिलता सानू, डिसऑनर हो जाता, तो असी दोबारा केस करने हकदार है। तो उन्नी देर तक आज़ाद नहीं, जिनी देर तक साढ़े 5 महीने तक पैसे नहीं देता।